आए हैं, लेकिन अपनी बैटरी अगर देते रहेंगे तो साथ साथ अपनी बैटरी को करना क्या है, चार्ज भी तो करना है। यू कैन नॉट इमेजिन कि आप इतनी बैटरी लेकर आए और फिर इसीलिए आफ्टर 2-3 ईयर्स व्हाट आर यू फीलिंग कि वो बैटरी डिप्लीट हो रही है। इट्स नॉट नथिंग टू डू विथ कार्मिक एनर्जी एंड ऑल। इनफैक्ट आप ऐसी सेवा कर रहे हैं जिससे आपकी बैटरी अगर इतनी है तो आपको ब्लेसिंग्स इतनी मिल रही हैं कि आपकी बैटरी ऐसे होती जाएगी, क्योंकि दुआएं भी तो कितनी मिलती हैं। लेकिन दुआएं मिलने के साथ साथ अपना ध्यान रोज़ रखा कि रोज़ अपनी बैटरी को चार्ज करके फिर यहाँ आए। अगर वो नहीं आए तो फिर धीरे धीरे बैटरी क्या हो जाएगी, डिस्चार्ज हो जाएगी। तो सबसे पहली चीज़ ये है, हम रोज़ अपनी बैटरी को चार्ज करने के लिए क्या करें, क्योंकि जितना चार्ज करेंगे उतना ही तो फिर सारा दिन। सपोज़ आपके पास फ़ोन है, आप उसको बिना चार्ज करके ले आए और फिर चार लोग आपको यहाँ मिले जो तो अपना फ़ोन चार्ज ही नहीं करके लेकर आए, तो उन्होंने हर छोटी छोटी चीज़ के लिए क्या कहना है, फ़ोन देना अपना एक मिनट। तो आज के समय में ऐसे ही है, एंड इट्स नॉट अबाउट हियर, हियर यू आर सराउंडेड बाय वेरी प्योर एनर्जी एक्चुअली, बट इफ़ यू गो आउट इन टू द वर्ल्ड, गो इन टू एन ऑफिस, गो समवेयर वेयर एवरीबॉडी इज सो स्ट्रेस्ड, तो वो अपनी बैटरी को चार्ज करके नहीं आ रहे रोज़ सुबह। और अगर हम उस वातावरण में इतनी बैटरी लेके चले गए तो शाम तक तो वो बैटरी क्या हो जाएगी, डिस्चार्ज। तो अब इतनी बैटरी से काम नहीं चलेगा, अपनी बैटरी को रोज़ फुल्ली चार्ज करना पड़ेगा। पॉजिटिव सोचो सिर्फ बोलने से नहीं हो सकता, पॉजिटिव सोचो वो तो हमें पता ही है। इट्स लाइक मेरा शरीर है तो मैं बोलूँ मुझे हेल्दी होना है, वो तो पता ही है, लेकिन नहीं है तो उसके लिए कुछ करना, तो बोलने से तो अपने आप नहीं हो जाएगा, बोलने से तो अपने आप नहीं हो जाएगा, उसके लिए मुझे कुछ करना तो पड़ेगा ना जिससे ये रोज़ हेल्दी रहे। तो मन मेरा रोज़ हेल्दी रहे, मन मेरा सिर्फ और सिर्फ अच्छा सोचे, मन मेरा सिर्फ और सिर्फ सही सोचे, उसके लिए क्या थॉट क्रिएट करनी है और उसके लिए क्या करना है। तो हर नेगेटिव थॉट जो आती है उसको रिप्लेस करना पड़ेगा। आपने जैसे कहा आगे जाकर क्या होगा या मेरे बाद क्या होगा, जब आप ऐसी थॉट क्रिएट कर रहे हैं तो आप एक्चुअली क्या अज्यूम कर रहे हैं, आप अज्यूम क्या कर रहे हैं, व्हाट आर यू अज्यूमिंग नाउ, सी द अंडरकरंट बिहाइंड दिस थॉट एंड देन यू विल चेंज इट। नो बट व्हाट आर यू अज्यूमिंग व्हेन यू आर क्रिएटिंग दैट थॉट। नहीं, आपने कहा मेरे बाद क्या होगा, मतलब यू आर टॉकिंग लंबा, आप उसको ये ब्लेसिंग अभी से दे रहे हैं कि आप तो ठीक होने वाले ही नहीं, आई एम अज्यूमिंग कि मेरे जाने के बाद क्या होगा। यू सी दिस इज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग थॉट, हमने अब थॉट देनी कौन सी है एक्चुअली, सो वी हैव टू कट इट इमिजिएटली। एंड उसको सिर्फ थॉट लेवल पे नहीं करेक्ट, डीप डाउन कॉन्शियसनेस लेवल पे ठीक करना है, तब हम कहते हैं नहीं तो 6 महीने हो गए अभी तक क्यों नहीं फ़र्क आया। थेरेपी अपना काम करेगी, थॉट पावर अपना काम करेगी। अगर थॉट पावर पावरफुल थॉट्स रेडिएट की तो जो थेरेपिस्ट सोचेगा कि इतने टाइम पे होगी इतना फ़र्क, उससे ज़्यादा फ़र्क हो जाएगा। एक काम बाहर से होता है, एक काम अंदर से हो रहा है। एक काम बाहर से हो रहा है कि आप योगा करा रहे हैं, बोलना सिखा रहे हैं, म्यूज़िक सिखा रहे हैं, दिस इज़ आउटर चेंज। एंड एक काम हो रहा है कि मन अंदर से क्या वाइब्रेशन दे रहा है। अब एक है उस बच्चे का मन जो अपने अपने शरीर को क्या वाइब्रेशन दे रहा है। अब उस बच्चे का माइंड क्या वाइब्रेशन भेजे, उसके लिए पेरेंट उस बच्चे को क्या वाइब्रेशन भेज रहा है। सो इफ़ आई क्रिएट अ थॉट फ्रॉम हियर अबाउट योर हेल्थ, ओके, सो हाउ विल इट गो, आई विल क्रिएट द थॉट, इट विल गो टू यू,
यू विल कैच दैट थॉट एंड बिकॉज यू विल क्रिएट दैट थॉट इट विल रेडिएट टू योर बॉडी. तो अगर मैंने यहाँ से थॉट क्रिएट कर दी जो सही नहीं है, तो फिर आप कैच करेंगे, आप अपने शरीर को वो थॉट भेजेंगे. अगर मैंने यहाँ से थॉट क्रिएट कर दी कि आप तो शायद 20 साल बाद भी ठीक नहीं होने वाले, ओके, ये थॉट आप कैच करेंगे और आप अपने बॉडी को ये थॉट भेज देंगे कि मैं तो 20 साल बाद भी ठीक नहीं होने वाली. अब थेरेपिस्ट यहाँ से काम कर रहा है और आप यहाँ से क्या भेज रहे हैं? इट्स नॉट इन हार्मनी. यू सी इट्स नॉट इन हार्मनी. थेरेपिस्ट कह रहे अब भी ठीक हो जाएगा, महीने में ठीक हो जाएगा, दो महीने में ठीक हो जाएगा. माइंड अंदर से क्या थॉट भेज रहा है? 20 साल बाद भी ठीक नहीं होने वाला है. अगर ये दो चीज़ें हार्मनी में चली गई कि बाहर से जो काम हो रहा है और अंदर माइंड क्या भेज रहा है, तब तो मैजिक क्रिएट होगा. अच्छा, अभी एक चीज़ आपको बताते हैं. जो थेरेपिस्ट कह रहे हैं वो राइट कह रहे हैं. वो किस बेसिस पे कह रहे हैं आप बताओ? वो किस बेसिस पे कह रहे हैं? नॉलेज. नॉलेज किस बेसिस पे बनी? उन्होंने पढ़ा और उनका पास्ट एक्सपीरियंस. सपोज उस थेरेपिस्ट के जीवन में 500 बच्चे आए ऐसे, तो उसका डेटाबेस ऑफ एक्सपीरियंस कितना है? 500. किसी का 500 हो सकता है, किसी का 5000 हो सकता है, किसी का 50000 हो सकता है, उससे ज़्यादा कितना होगा. लेकिन फिर भी जो मैंने थॉट क्रिएट की कि ये क्रॉल नहीं कर पाएंगे, इज़ बेस्ड ऑन माय एक्सपीरियंस ऑफ 5000 चिल्ड्रन. एवरी चाइल्ड इज़ डिफरेंट. एवरी चाइल्ड इज़ डिफरेंट. ये भी हो सकता है कि जो 5000 बच्चे सारे कर पाए, एक बच्चा नहीं कर पाएगा, हो सकता है. और ये भी हो सकता है जो 5000 बच्चे नहीं कर पाए वो एक बच्चा करेगा. हो सकता है कि नहीं हो सकता? सो वी आर नॉट गोइंग टू गो ऑन एनीबडीज प्रेडिक्शन. प्रेडिक्शन नहीं कर सकते, डेस्टिनी अपनी चॉइस की क्रिएट कर सकते हैं. अगर कोई आपको कहे कि ये बच्चा क्रॉल नहीं कर पाएगा, आप अपने आप को कहो थोड़े दिन के बाद आपसे आकर वापस मिलती हूँ और उस टाइम मेरा बच्चा आपके सामने क्रॉल करके आपको दिखाएगा. क्रिएट अ डेस्टिनी ऑफ योर चॉइस बाय हियर. प्रिडिक्शन है, उन्होंने दी, उन्होंने राइट कहा बेस्ड ऑन नॉलेज एंड पास्ट एक्सपीरियंस. हर बच्चा कैपेसिटी अलग, हर बच्चे की कैपेसिटी अलग, एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट हर आत्मा का भाग्य अलग. और वो किसी डॉक्टर को भी पता नहीं है कि आपके बच्चे का भाग्य क्या है आगे. पता है किसी को भी भाग्य? नहीं. भाग्य तो हम अपने थॉट से ही चेंज करने वाले हैं पूरी तरह से. लेकिन अगर हमने वो इन्फॉर्मेशन ली कि क्रॉल नहीं कर सकता, फिर हमने थॉट क्रिएट की कि ओ क्रॉल नहीं कर सकेगा, फिर हमने वो मैसेज उधर भेजा उस मन को, आप क्रॉल नहीं कर सकोगे. उस मन ने फिर अपने शरीर को मैसेज भेजा, क्रॉल नहीं कर सकोगा. और फिर जब वो होगा तो हम कहते थेरेपिस्ट राइट थे. जो बात अच्छी ना लगे, इट डजेंट मैटर. अगर दुनिया में सबके साथ वो हुआ है, हम डिफरेंट क्रिएट कर सकते हैं. बॉडी माइंड से चलती है. माइंड बैटरी है, बॉडी इसकी इक्विपमेंट है. बैटरी जो जेनरेट करेगी, इक्विपमेंट वैसे ही चलेगी. तो इक्विपमेंट को देख के थॉट नहीं क्रिएट करो, थॉट क्रिएट करके वैसे वाला इक्विपमेंट बनाना है. तो जो आपको चाहिए के हो, आपको ये थॉट क्रिएट करना है, ये ऑलरेडी है. आपको मिरेकल क्रिएट करना है, आपको थॉट क्रिएट करना है कि वो ऑलरेडी क्रॉल कर रही है. आपको विजुअलाइज करना है कि वो ऑलरेडी क्रॉल कर रही है.
आपको ये विजुअलाइज़ करना है कि वो इतना लंबा डिस्टेंस क्रॉल कर रही है, आपको ये विजुअलाइज़ करना है कि वो ऑलरेडी वॉक कर रही है, भाग रही है, भागेगी नहीं, भाग सकते हैं नहीं, भाग रहे हैं, क्रॉल भी नहीं कर रहे. नाउ क्रिएट दैट थॉट, सी इट हैपनिंग एवरी डे एंड देन क्रिएट द डेस्टिनी. डेस्टिनी कैसे क्रिएट होगी, भाग्य कैसे क्रिएट होगा? बिकॉज माई एवरी थॉट इज रेडिएटिंग टू माई बॉडी. सपोज आई क्रिएट अ थॉट फ्रॉम हियर, मैं बीमार, तो मेरा बॉडी क्या मैसेज कैच करेगा? मैं बीमार. तो जब मैं बॉडी को बार बार, दिन में 10 बार, हर रोज़ ये मैसेज देती रहूँ, मैं बीमार, मैं बीमार, मैं बीमार, तो ये बॉडी क्या मैसेज कैच करने वाला है? मैं बीमार. तो वो बीमारी क्या होने वाली है? बढ़ेगी. आज मेडिकल एविडेंस है कि माइंड से शरीर के अंदर बीमारियां क्रिएट की जा सकती हैं, और ये भी मेडिकल एविडेंस है कि माइंड से शरीर की बीमारियां पूरी तरह से ख़त्म की जा सकती हैं. अगर माइंड से शरीर से कैंसर हटाया जा सकता है, तो क्या क्रॉल नहीं किया जा सकता? कर सकते हैं या नहीं कर सकते? बट वी हैव टू हैव, वी हैव टू हैव ओनली फर्म फेथ. यू चूज वॉट ऑल यू वॉन्ट योर चाइल्ड टू डू. जस्ट चूज एवरीथिंग दैट यू वॉन्ट योर चाइल्ड टू डू. विजुअलाइज दैट एवरी डे, मैनी मैनी टाइम्स इन द डे. थिंक दैट, स्पीक दैट, मेक एवरी वन इन द हाउस थिंक दैट. तो जब घर में सारे जो लोग होंगे और उनकी वो एनर्जी चाहिएगी, तो वो वाला आत्मा क्या करने वाला है? वो सारी एनर्जी को कैच करने वाला है. कैचिंग पावर बहुत हाई है, तो हर थॉट को कैच करेंगे, एक्सेप्ट करेंगे, बिलीव करेंगे, रियलिटी बना देंगे. वी कैन क्रिएट मैजिक, वी कैन क्रिएट मैजिक. लेकिन उसके लिए क्या करना होगा? अपने मन का ध्यान रखना पड़ेगा. एंड दिस इज एप्लीकेबल टू एवरीबडी, कि जो हम चाहते हैं कि हो, वी हैव टू क्रिएट अ थॉट, इट ऑलरेडी इज. दिस इज प्योर साइंस.